गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो सारे? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ है एसक्रॉस 2016 वेरिएंट, जो कि एक डीजल इंजन है और इसकी पावर जो है, ओ भाई, काफ़ी हैवी हुड इसका, काफ़ी हैवी है। मारुति की गाड़ियों के इतना हैवी हुड नहीं होता है। मैक्स पावर 88 BHP का है और टॉर्क की बात कर लेते हैं तो 200 Nm। और ये गाड़ी बिलोंग करती है अंकल से, तो आइए इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस जानते हैं। तो अंकल, ये गाड़ी आपने क्यों ली? एक्चुअली मारुति में 2010 से मारुति से हमारा जो है नाता रहा है, और इसके पहले मेरे पास स्विफ्ट थी, 4-5 साल चला है। और सबसे बढ़िया ये रहता है मारुति का कि हर चीज़ इजीली हर जगह अवेलेबल रहता है। ओके, और मार्केट प्राइस भी देख लीजिए आप, तो रीसेल वैल्यू भी बहुत बढ़िया रहता है। ओके, ये सेकेंड हैंड गाड़ी है। गाड़ी गाइज, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कितने किलोमीटर ड्रिवन गाड़ी आपको मिली है? ये मुझे मिली थी 40,000 किलोमीटर चली हुई थी। और प्राइस क्या पड़ा है इसका? आस्किंग प्राइस तो 7 लाख था, लेकिन नेगोशिएट कर दिए, करने में 6 लाख पे हो गया। 6 लाख पे ये गाड़ी मिल गई। नंबर कुछ इतना है। अभी एनओसी आने में कितना टाइम है अंकल इसका? एनओसी में अभी 10 दिन और बताया उन्होंने, 10 दिन में एनओसी आ जाएगा। एक्सपीरियंस कैसा रहा सेकंड हैंड गाड़ी लेके? शानदार रहा गाइज। ये जो है टॉप एंड वेरियंट है, जो दोनों साइड इसके कीलेस एंट्री आ जाता है एंड पुश स्टार्ट बटन भी आया है इसके अंदर। और यहाँ पे देख लो आप लोग, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो रेटिंग तो स्टार्ट हो जा, ये गाड़ी 43,000 अभी अंकल 3,000 किलोमीटर आपने ड्राइव कर दिया, 4,000 किलोमीटर होने वाला है। तो ये 4,000 किलोमीटर अंकल ने ड्राइव कर दिया इस गाड़ी को। और यहाँ पे कंपनी फिटेड इसका जो है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, जिसके अंदर आपको मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह। और अंकल ये बात करना था, आपने लेने के बाद कुछ सर्विसिंग कराई या फिर जो उन्होंने कर? मैंने लेने के बाद मैंने सर्विस कराई। कितना का पड़ा इसका सर्विसिंग? टोटल कास्ट आ गया था 4,000। शोरूम में कराएं या बाहर? नहीं, बाहर अपने गैरेज है तो। अच्छा, बाहर ही कराएं। इसके साथ आपको लेने के बाद कोई ऐसी निगेटिव, इसके बारे में निगेटिविटी जो लोगों ने कही हो कि भाई ये गाड़ी मत लेना ऐसे वैसे, आपको क्या लगा? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ किसी के द्वारा कहा भी नहीं गया। हाँ, और हमारा खुद का जो है मूड था एसक्रॉस लेने का। ओके, हम गए एजेंसी पे तो पता चला डीजल तो बंद हो चुकी थी। हाँ, और जो पेट्रोल भी आ रही है अब उसको अपग्रेड कर दिया गया है ना, पहले 1250 cc में थी, अब 1500 cc में आ गई है। ओके, तो मैंने पता किया तो उसका माइलेज में 10 से 12 का आ रहा है। ओके, और ये अभी क्या दे रही है? ये अभी 18 का दे रही है। हाँ जी, डीजल पे। और हम लोग जब लखनऊ से आ रहे थे तो उस टाइम हम नॉर्मल अगर स्पीड में चल रहे थे, 90 से 100 की स्पीड में जब भी हम चल रहे थे, तो उस टाइम जो है एवरेज 22 का 23 का एवरेज आराम से आ रहा था हाईवे पे, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और सिटी में एवरेज क्या निकाल दे रही है गाड़ी? सिटी में 18-19 का 18-19। गाइस काफी बढ़िया है ये गाड़ी जो है, इतनी लंबी होने की वजह से इसका बूट स्पेस भी काफी अच्छा मिल जाता है, जो कि स्विफ्ट से काफी बड़ा सा इसका बूट मिल जाता है। पीछे के रियर स्पेसिंग जो है, इसकी लेग रूम थोड़ा सा ज्यादा मिलता है आपको। अभी सॉरी, इसमें थोड़ा सा कचरा हो रखा है। जैसे अंकल की हाइट जो है वो है कितने है? 5'9" है और मैं 6'1" का हूँ। तो देखो मेरे अंकल अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर रखे हैं। और मेरे लिए देखो ये नी रूम देख लो, यहाँ पे पैर भी टच नहीं हो रहा है। और हेडरूम तो भाई इस गाड़ी में है ही काफी प्यारा सा। और कुछ एम्बियंस इसका ऐसा लगता है डोर खोलने के बाद, ये दोनों लाइट्स ऑफ हो जा ऑन हो जा रहे हैं, मैं ऑफ कर देता हूँ, डोर पे है। और आगे की बात कर, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर विथ लाइट, सनग्लास होल्डर एंड ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विथ लाइट, ये प्रीमियम लगता है इस गाड़ी का, सबसे प्रीमियम चीज़ है। बैक कैमरे की जो क्वालिटी है कुछ ऐसी है जो कि मतलब रात में तो निगलिजिबल नहीं मान सकते हो। और पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, वो चेंज हो जाएगा उसका ग्लास, कैमरे का ग्लास चेंज कराना। और इसके अंदर आर्मरेस्ट भी आता है जो कि डीप है, काफ़ी ज़्यादा डीप है। और ये है इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट पीछे के साइड, इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट USB का चार्जिंग वोल्ट इसमें है। और ये कूल्ड है आई थिंक, पैसे के नीचे कूल्ड, हाथ डालो ठंडा लगा है, ऐसे हो गया। इसके अंदर गाइस देखो USB का चार्जिंग वोल्ट भी मिल जाता है। आगे चलते हैं और चला के इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ, ताकि मैं बताऊँ ये गाड़ी फील कैसी होती है। तो गाइस ये मारुति का 2016 वेरियंट का डीजल इंजन है। एक बार केबिन नॉइज सुनो, मैं चुपचाप बैठ रहा हूँ। डीजल इंजन है, इतना सा नॉइज तो आएगा ही आएगा, कॉमन सी बात है। अभी हम लोग सॉरी सीट बेल्ट नहीं लगाया हूँ अभी। इसका जो थ्रॉटल है एंड एक मिनट, हाँ जी, तो सीट बेल्ट लगा लिया हूँ। और भाई ये गाड़ी इतनी रिफाइंड फील हो रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये 44,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है।
अंकल मान लीजिए अगर आपको उतने पैसे वापस से दे दिए जाए और सेकंड हैंड गाड़ियों के ऑप्शन में आपको नेक्सॉन भी है जो कि एक सब 4 मीटर एसयूवी है, तो आप क्या चूज करेंगे, नेक्सॉन या फिर ये? देखिए अगर सेफ्टी फीचर की बात अगर आती है तो मैं टाटा की तरफ जाऊंगा, लेकिन अगर गांव में से हूं और मजा इसमें मारुति में अलग ही मजा है। सो अंकल एक बात बताइए, आपका मेन रनिंग जो होता है वो कहाँ होने वाला है जी? मेन रनिंग आपका कहाँ होता है, हाईवे पे होता है या फिर गांव-गांव में आप अपना बिजनेस करते हैं? लोकल मेरी ज्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, गोरखपुर से लोकल में बहुत ज्यादा चलना होता है, और बाहर के लिए थोड़ा सा कम ही यूज होता है, लखनऊ वगैरह या दिल्ली वगैरह जब भी जाना रहता है, लॉन्गपुर पे जब भी हमको जाना रहता है कहीं भी घूमने के लिए, जैसे महाकालेश्वरी चले गए, जम्मू चले गए, कहीं भी जाना रहता है मैं अपनी गाड़ी से ही जाता हूँ। ओके, तो गाइस इसके अंदर जो है क्रूज कंट्रोल आ जाता है, यहाँ पे इंफोटेनमेंट का कंट्रोल आ जाता है, ये आपको ब्लूटूथ से एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले है तो यहाँ से कॉल रिसीव कट करने का ऑप्शन आ जाता है, ये है इसके अंदर ऑटोमेटिक एसी, एंड ये है गाड़ी 2 जोन नहीं सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ है, ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर MID जिसको आप कह सकते हो, इसके अंदर इतने सारे आपको नोटिफिकेशन लाइट्स मिल जाते हैं जो कि हैंड ब्रेक वगैरह, एंड ये देखो इसकी रेंज बता रहा है कितने इतने फ्यूल में कितना किलोमीटर जा सकती है, एंड एवरेज स्पीड बता रहा है कि अभी हम लोग ड्राइव करके आए हैं लगभग कितने किलोमीटर आए हैं, 12-13 किलोमीटर 12 किलोमीटर आए हैं और ये हमारा एवरेज स्पीड आ रहा है, एंड बस जो मारुति की गाड़ियों में नॉर्मल सा आता है वही चीज इसमें दिया हुआ है। भाई बूट स्पेस एक बार आपको चेकआउट करा देता हूं तो पीछे से ही खुल जाएगा। आओ, इतना हैवी हुड, एक्चुअली में अंकल ये गाड़ी हैवी फील हो रही है, इतना हैवी हुड है, इसका जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे मेंशन कर दें, इतना लीटर का ये बूट स्पेस है, 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है पीछे वाली, और यहाँ पे आपको कुछ होल्डर मिलता है, अगर आप कुछ ले जा रहे हो फैमिली के साथ जा रहे हो तो कुछ बॉटल वगैरह इधर रख सकते हो ताकि गिरे ना जो फूटे ना, और इसका स्पेयर व्हील और इसकी साइजिंग है 205/60R16, 16 इंच का इसका स्पेयर व्हील मिल जाता है, नॉर्मल जो टायर है अलॉय व्हील के साथ आता है, इसकी जो साइज मैं बता देता हूँ 205/60R16, तो ये भी 16 इंच का है, स्पेयर व्हील भी 16 इंच का है जो कि स्टील रिम है, ये अलॉय व्हील है, चारों के चारों अलॉय व्हील आ जाते हैं साइड में। एक कैटेगरी में रख रहा हूँ अंकल आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो आप सैड हैं, या तो आप एवरेज मॉडरेट, या फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं गाड़ी लेने के बाद। हम तो बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, और इसकी कुछ ऐसी फीचर जो लेने के बाद आपको पता चला है कि ओ इस गाड़ी में ये भी है, तो कुछ ऐसा है जो आपको चलाने के बाद? मैं क्रूज कंट्रोल पे ध्यान नहीं दे रहा था कि इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है, हाँ। बाद में जब मैं गाड़ी चला रहा था तब मेरी नजर पड़ी उसमें कि वहाँ क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन इसमें है, हाँ। तो वो एक फीचर है, और कोई फीचर? और जनरली और कोई फीचर तो नहीं है। और इस गाड़ी को ले लिए हैं, अब इसको कुछ मोड बात ये है कि मारुति की सबसे प्रीमियम गाड़ी है, हाँ जी है, हाँ। नेक्सा की गाड़ी है ये, हाँ, नेक्सा की गाड़ी है, और इसको लेने के बाद इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, हाँ। इसमें हम इसे आप फ्रंट में आ जाइए, ये 2016 मॉडल होने के नाते जो है ना, हाँ, ये हैलोजन बल्ब है ये, इसको ये सामने का फ्रंट का आपका जो है ना प्रोजेक्टर लग जाएगा, सामने का बंपर चेंज हो जाएगा, ग्रिल भी चेंज करें, ग्रिल भी चेंज हो जाएगा, आप फ्रंट का जितना भी देख रहे हैं ना, ओके, ये टोटल चेंज होने वाला है। बढ़िया है, तो इसकी जो कॉस्टिंग आएगी सब कुछ बताएंगे, इसकी वीडियो जो होती है अगर बन जाती है मॉडिफाई करने के बाद भी, एक ओनरशिप एक्सपीरियंस आएगा कि कैसा रह रहा है, नाइट में इसका थ्रो कैसा है। अभी तो ठीक है, अभी 100 वाट के बल्ब लगे हुए हैं, हाँ जी, तो अभी ठीक है, लेकिन फॉग लाइट भी ठीक है, लेकिन प्रोजेक्टर लग जाएगा, फॉग लैंप जो है अलग से उसको जो है LED वाला उसको हम उसमें कराएंगे। ओके, तो गाइज ये रही S-Cross जो कि 16 मॉडल थी, अंकल से बिलोंग करती थी, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बता देना कैसी लगी वीडियो, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाय, #peace, बाय।